हेलो प्यारे बच्चों, तो चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि ये एक ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक आसान क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द रेडिएशन इमिटेड बाय द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का सिंगल एटम है उसमें जो ट्रांजिशन होता है एन इज इक्वल टू 3 से 2 में, तो हमें वेवलेंथ निकालना है जो फोटोन जनरेट हुआ, और एन इज इक्वल टू 5 से 4 में ट्रांजिशन हुआ तो हमें जो फोटोन जनरेट हुआ उसकी वेवलेंथ निकालनी है। एन इज इक्वल टू 10 से 9 में जनरेट हुआ तो हमें जो फोटोन निकला उसकी वेवलेंथ निकालनी है। मतलब 3 सवाल है एक प्रॉब्लम में, हमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलो हम लोग एक एक करके करते हैं। सब हमेशा याद रखो कि इस टाइप के प्रॉब्लम करने के लिए आपको दो दो मेथड बताता हूँ, जो एग्ज़ाम में करने के लिए जो पहला मेथड है वो बहुत ही बेहतर है। सबसे पहले हम पता है कि हाइड्रोजन की जो एनर्जी लेवल है वो इसको याद कर लो, ठीक है ना। तो ये एनर्जी लेवल होती है ऐसे, पास पास होती है और पास, तो ये इस टाइप से अगर इसको याद रखोगे, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 5, तो फर्स्ट वाले में जो एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, इसको याद रखना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले में एन इज इक्वल टू 3 के लिए -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इज इक्वल टू 4 के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 0.5 ये आता है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अगर ये वैल्यू आपको याद है तो इधर बार बार यार यूज होगा, तो ये हमें याद कर लेना चाहिए। या यूँ कहो कि आप IIT JEE और नीट की तैयारी करते हैं तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इतनी बार यूज होगा कि वो आपको याद हो ही जाएगा। चलो तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप देखो, n इज इक्वल टू 3 से 2 में जंपिंग हुई, पहले एन इज इक्वल टू 3 देखो कहाँ है, इस सेल में, इस आर्बिट में इलेक्ट्रॉन था एन इज इक्वल टू 3 में, अब सीधे जंप कर गया 2 में, तो ये वाला 2 है यार, ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ से, तो यहाँ से जंप कर गया इस वाले में, 2 में जंप कर गया। तो जब 3 से 2 में जंप कर गया तो हमें जो अब जो है एनर्जी, जो डिफरेंस है, 3 की एनर्जी कुछ अलग है, ठीक है, और 2 की एनर्जी कुछ अलग है, तो ऑब्वियसली जब फोटोन जंप हुआ तो एनर्जी का डिफरेंस हुआ, और ये एनर्जी डिफरेंस hc अपन लैम्डा के इक्वल होती है। ये मैं फर्स्ट मेथड आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड बहुत ही अच्छा है, और इस मेथड से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन कितना ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये वैल्यू याद रही एग्ज़ाम में तो किसी भी आर्बिट की, जनरल हाइड्रोजन के लिए -13.6 आर्बिट एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला फार्मूला लगा दोगे तो तुम्हें वैल्यू पता चल जाएगी किसी भी आर्बिट की। तो ये एक जनरल फार्मूला है और यहीं से सब निकल के आया है प्यारे बच्चों। तो चलो तो यहाँ से एनर्जी का जो डिफरेंस हमें मिल जाएगा, ऑब्वियसली हमें ये जो डिफरेंस है वो -1.5 और -3.4, तो दैट इज़ द डेल्टा ई एनर्जी का डिफरेंस। तो एनर्जी का जो डिफरेंस आ गया ये 2, 3 और 2 के आर्बिट का, वो आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब एनर्जी का डिफरेंस आ गया और ये जो वेवलेंथ है लैम्डा वो एंगस्ट्रॉन में हमें आएगा, एंगस्ट्रॉन में हमें, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, या नैनोमीटर में, तो SC वर्मा का जो क्वेश्चन है वो उन्होंने नैनोमीटर में दे रखा है सोल्यूशन में, तो हम इसको नैनोमीटर में भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से जो एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू, जब लैम्डा नैनोमीटर में होता है तो HC की वैल्यू 12,402 होती है, और डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, लैम्डा किस में आएगा, नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉन में कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एनर्जी इज इक्वल टू 12,420, और ये लैम्डा और एंगस्ट्रॉन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखोगे तो डायरेक्ट वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में होगा तो ये निकलेगा, और ये याद रखोगे तो डायरेक्ट जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में होगा तो ये आएगा। तो एनर्जी डिफरेंस हम पहले से ही कैलकुलेट किए हैं 1.9, और ये आ जाएगा 12,402, और ये लैम्डा नैनोमीटर में यहाँ से आ जाएगा, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगी 12,402, और यहाँ से 19.1.9 से डिवाइड कर दोगे तो कुल मिला के ये 6.54 नैनोमीटर आ जाता है, और ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो फाइनली जो इसका सोल्यूशन निकल के आया है ये वाला, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट।
तो ये जो मेथड फर्स्ट था ये काफ़ी बेहतर है, अच्छा है, इधर काफ़ी काम आएगा आपको। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हो तो इसी क्वेश्चन को आप सेकेंड मेथड से कर सकते हो। सेकेंड मेथड जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो इसलिए सेकेंड मेथड क्या है कि सेकेंड मेथड ये होता है कि 1/λ पढ़े हो आप सेकेंड मेथड, यहाँ से भी तो आप लैम्डा निकाल सकते हो। अगर ये इनर्जी लेवल है, n=1 है, n=2 है और n=3 है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जंप मार जाता है तो उस रिकवर कॉन्स्टेंट 1/(n₁²−1/n₂²). अब यहाँ से भी आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, रिकवरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू रखना, n₁ कहाँ पर जंप किया है, n₁ की वैल्यू यहाँ पर कितना है, यार n₁ की वैल्यू यहाँ 2 है और n₂ की वैल्यू 3 से, तो 3 से 2 में जंप किया है, तो यहाँ से भी आपको सेम सोल्यूशन 654 नैनोमीटर मिल जाएगा। तो जो पहला मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलो अब इसमें दूसरा पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, n=5 से 4 में जंपिंग किया है, तो चलो निकाल लेते हैं 5 से 4 में जंपिंग की वैल्यू। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 5 की एनर्जी लेवल कितना है, देखो 5.4, और 4 की एनर्जी लेवल 0.85 है, तो ये डिफरेंस क्रिएट आ जाएगा। तो ऑब्वियसली जो एनर्जी का डिफरेंस है प्यारे बच्चों, डेल्टा ई, यहाँ से मुझे डेल्टा ई मिल जाएगा, E₂ - E₁। आप किसी में से किसी को बता दो, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 0.54 और यहाँ से -0.85, तो यहाँ से हमें आ जाएगा 0.306, ठीक है। तो डेल्टा ई एनर्जी इज इक्वल टू SC/λ होता है, नैनोमीटर में कैलकुलेट है ना, 12×4=2 रखेंगे और लैम्डा नैनोमीटर में हमें यहाँ से मिलेगा, तो लैम्डा नैनोमीटर में आ जाएगा, तो 12×4=2 और यहाँ से SC की वैल्यू 0.306। तो फाइनली जब इसको हमें काट कूट लूँगा ये कहानी, तो यह आ जाएगा 4050 नैनोमीटर यहाँ से। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्ट 3 देखो, तो पार्ट 3 में क्या है कि अब देखो पार्ट 3 में हमें एनर्जी लेवल तो याद तो नहीं है, 10 से 9 में जंप हुआ, 10 से 9 में जंपिंग हो गई है। तो अगर मुझे 10 से 9 वाली जंपिंग अगर देखनी है, चलो 10 से 9, तो 10 से 9 अब यहाँ से देखो, 10 से 9 ये n=10 है और ये n=9 है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक्साइटेड था, तो डी एक्साइट हुआ है, यहाँ से डी एक्साइट हुआ है, ग्राउंड लेवल में नहीं गया लेकिन डी एक्साइट हुआ है। तो यहाँ से अब हमें एनर्जी वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 n²(Z²) इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के लिए -13.6 और n² की वैल्यू, ठीक है, मैं पहले वाले ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ, 10th वाले की, ये इस वाले 10th वाले की पहले, तो ये 10² मतलब 100, तो 10² मतलब ये आ जाएगा 100, मतलब ये आ जाएगा 0.1 - 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द एनर्जी ऑफ द 10th ऑर्बिट, ठीक है। चलो अब हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ द 9th ऑर्बिट वाले का। तो अगर मैं 9th वाले का ऑर्बिट, इस वाले का एनर्जी कैलकुलेट करूं, तो यहां से एनर्जी इसको मैं E₂ मान लेता हूं, तो -13.6 और 9 का 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से जब डिवाइड वाइड में कर लेता हूँ तो यह जाता -1.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाली चीज़ हमें आ गई एनर्जी E₂ लेवल में। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा, वो आ जाएगा फाइनली इसको फाइनली इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो -0.167 और माइनस, और यहाँ से -0.136। तो यहाँ से मॉड ले लेना, मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो ये 0.031 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो SC/λ के इक्वल है यार, तो SC की वैल्यू 12×4=2 और लैम्डा 0.031, तो यहाँ ये एनर्जी, तो ये एनर्जी की वैल्यू रख दिया तो लैम्डा आ जाएगा, ये एनर्जी की वैल्यू रखा हूँ मैं 0.003, तो यहाँ लैम्डा आ जाएगा 38 और ये 861 पॉइंट नैनोमीटर, ये वाली चीज़
यहाँ से मुझे निकल के आएगी। तो ये जो एनर्जी वो किसकी एनर्जी है यार, उन सबको पता है कि ये एनर्जी यहाँ से जब जंपिंग होगी, यहाँ से भाई भाई यहाँ से जब जंपिंग होगी तो इस में एनर्जी का जो डिफरेंस है, यहाँ से फोटॉन्स आते हैं। हमेशा याद रखना कि एक एक जंपिंग में एक ही फोटॉन निकलेगा। तो यहाँ से जो फोटॉन आ रहा है, उस फोटॉन को मैं वेव ट्रीट कर रहा हूँ, और उस फोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा है, ये हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।